हेलो ट्रेनी, पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि हमारे न्यूमेटिक सिलेंडर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, आज हमारा टॉपिक है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है कि इसमें जो हमारी कंप्रेस एयर है वो सिलेंडर के अंदर एक साइड से ही वर्क करती है, या एक साइड में ही वो फोर्स डालती है। तो जैसे हमारा ये इसमें डायग्राम दिखाया गया है, इसमें सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, ये पिस्टन रोड है, इसके ऊपर ये स्प्रिंग लगा हुआ है। कंप्रेस एयर हमारा इस साइड से आई, इस पोर्ट से एंटर करेगी। तो ये पिस्टन मान लिया हमारा यहाँ है, तो यहाँ इस पोजीशन से ये इसको कंप्रेस एयर धक्का आगे की ओर प्रेशर करेगी, ठीक है। तो इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ आने में क्या होगा कि ये स्प्रिंग भी नीचे आगे की ओर दब जाएगा। दबने के कारण फिर स्प्रिंग, जैसे ज़्यादा दबाव होगा तो फिर स्प्रिंग इधर से वापस इसको पीछे धकेल देगा। तो यानी इसमें जो है कंप्रेस एयर एक साइड से ही, एक दिशा से कार्य करती है, ठीक है। हमारा जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है वो चार प्रकार के होते हैं। जैसे पहला टाइप से इसका हमारा डायफ्राम सिलेंडर। तो डायफ्राम सिलेंडर में क्या होता है कि ये हमारा डायफ्राम सिलेंडर है। सेम इसमें भी हमारा जो है, जैसे मैंने अभी समझाया था उसी प्रिंसिपल पे कार्य है इसका। जैसे इसके अंदर क्या है कि एक डायफ्राम लगा रहता है, रबड़ या प्लास्टिक का। जैसे ही कंप्रेस एयर इसके इस पोर्ट से एंटर करती है, तो ये हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ दबता है, ठीक है। नीचे दबने के कारण फिर ये हमारा जो है, इसकी जो रोड है वो आगे की तरफ जाएगी। जब आगे की तरफ जाएगी तो ये स्प्रिंग नीचे दब जाएगा। स्प्रिंग में ज़्यादा दबाव के कारण फिर स्प्रिंग बैक जो है, बैक में इसको फोर्स डालेगा, फिर बैक में चला जाएगा। फिर पीछे से कंप्रेस एयर आएगी, इसको आगे की तरफ धक्का देगी। इसमें भी क्या है कि इसमें भी जो हमारा कंप्रेस एयर जो वर्क करती है वो एक साइड से करती है। ये सिंगल एक्टिंग है, ये छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। इनकी जो लंबाई है वो लगभग 50 mm तक होती है, ठीक है। जिग फिक्सचर और रिवेटिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा जो रोलिंग डायफ्राम सिलेंडर है, ये भी सेम ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा जो डायफ्राम है वो रोलिंग टाइप का है। ये सिलेंडर की दीवारों से टच होके चलता है, ये हमारा ट्यूब की तरह है। तो जैसे इधर से कंप्रेस एयर आई तो वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ के बाद स्प्रिंग फिर इसको बैकवर्ड में धकेल देगा। फिर ऊपर से कंप्रेस एयर आएगी, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये इसी तरह से इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन, या हमारी मैकेनिकल एनर्जी में जो है प्रेशर एनर्जी बदल जाती है। ये भी साइज में इसका जो ऑपरेटिंग स्ट्रोक है वो 50 से 800 mm तक है, ठीक है। इसमें पावर लॉस भी कम है। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है हमारा ग्रेविटी रिटर्न सिलेंडर। ग्रेविटी रिटर्न सिलेंडर में क्या होता है कि इसमें जो एक वर्किंग जो हमारा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो पिस्टन वापस आता है अपनी पहली पोजीशन में, तो वो ग्रेविटी के कारण, भारी लोड जो है ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आता है। जैसे कि ये चित्र में दर्शाया गया है, ये सिलेंडर है, ये प्रेशर पोर्ट है इसका, ये वेंट पोर्ट है, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन रोड है, ये वेट है, ये ज़्यादा हैवी वेट है। तो जैसे इधर से हमारे प्रेशर पोर्ट से हमारा प्रेस जो कंप्रेस एयर इसके अंदर एंटर करेगी, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये प्रारंभिक पोजीशन में आने के लिए इस जो वेट लगा हुआ ऊपर, उसकी वजह से ये फिर अपनी पूर्व पोजीशन में आ जाता है। इसी तरह से ये है, जो जिसमें वेट ऊपर की तरफ लगा होगा वो पुश टाइप है, क्योंकि ये नीचे की तरफ इसको पुश करता है। ये पुल टाइप है, यानी कि यहाँ से हमने प्रेशर पोर्ट से हमने इसमें प्रेशर भेजा, ऊपर चला गया, तो फिर ये इसको पुल करता है, यानी अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें भी हम वेट का यूज करते हैं और ग्रेविटी के कारण ये वेट जो है नीचे की तरफ वर्क करता है, ठीक है।
इसके बाद हमारा स्प्रिंग रिटर्न सिलेंडर। तो जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, जो समझाया था कि हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कैसे कार्य करता है, तो उसमें भी डायग्राम मेरा यही था। तो ये हमारा सेम वही है, इसमें हमारा कंप्रेसर इधर से आया, पिस्टन पे इसने फोर्स किया, इसकी जो हमारी प्रेशर एनर्जी ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई। तो इसमें हमारा क्या होता है कि इसे प्रारंभिक पोजीशन में लाने के लिए या इसकी जो पूर्व अवस्था में लाने के लिए स्प्रिंग का यूज करते हैं, इसीलिए इसको स्प्रिंग रिटर्न सिलेंडर कहते हैं, क्योंकि इसमें पिस्टन को अपनी पहली अवस्था में लाने के लिए स्प्रिंग ही इसको वापस भेजता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डबल एक्टिंग सिलेंडर।